शिक्षक को मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया है। छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी से 20 किलोमीटर दूरी पर सीताकसा गांव है। सीताकसा गांव के बच्चे करीब 60-65 बच्चे हैं जो लोग नदी पार करके आटरा स्कूल आते हैं। तो बारिश के समय में काफ़ी यहां पे परेशानी है। जब बच्चे अधिक पानी गिरता है तो स्कूल नहीं आ पाते हैं, और कम पानी होता है उस समय नाव ही एक साधन होता है, उस नाव से बैठ के आते हैं। हो सकता है किसी प्रकार के नाव में घटना ना हो जाए अधिक बाढ़ से, और एक दूसरे बच्चे मतलब कहीं खींचा तानी ना हो जाए। और जिस दिन मूसलाधार वर्षा होती है उस दिन बड़ा सोच हो जाता है कि बच्चे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम सभी स्कूली बच्चे सीताकसा से निकलते हैं तो बहुत ही कीचड़युक्त गड्ढे से आना पड़ता है, और आते एक छोटा सा नदी भी है, और बारिश के समय नदी में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने के कारण हम सभी बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और बहुत ही बाढ़ आ जाता है तो हम लोग स्कूल नहीं आते हैं, नदी को देख के चले जाते हैं। कुछ बच्चे बताते हैं कि भाई हमारे जो नाव चलाने वाले बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ जल्दी से छुट्टी ले लेना, और छुट्टी लेकर मतलब आ जाना ताकि बाढ़ जैसे बढ़ने लगेंगे तो आपको आसानी से मतलब हम निकाल दें, ताकि संध्या को हमको कोई परेशानी ना हो। नदी में पुल निर्माण के लिए कई बार शासन प्रशासन पर आवेदन लगाते हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। शिक्षा को एक प्रशासनिक कार्य माना जाता है, लेकिन जब सभी लोगों को फायदा पहुँचेगी तब। मैं भान साहू, इंडिया लहन के लिए।